हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लासेस अमेजिंग यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप 10th स्टैंडर्ड का सारा साइंस और मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस। पूरा लाइन टू लाइन आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने साइंस 2 का चैप्टर नंबर 2 जो कि था लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2 जिसका है लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस जो होती है, सारी लाइफ प्रोसेसेस हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट जो पार्ट 1 हमारा था लाइफ प्रोसेसेस इन पार्ट 1, जिसमें हमने रेस्पिरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लीट डिस्कशन किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइफ प्रोसेस है, जिसमें हम लोग फूड कैसे बनता है और उस फूड से हमारे बॉडी को एनर्जी कैसे क्रिएट होती है, वो सारी इंटरनल रेस्पिरेशन की एनर्जी प्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीटली देखी थी। ठीक है, उसके बाद में हमने एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन वाला लाइफ प्रोसेस भी कंप्लीट किया, जो कि अभी इस रिप्रोडक्शन को सिमिलर और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन हम किसे बोलते हैं, वो सारी चीजें आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो क्या क्या देखना है इस चैप्टर में, देखो रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो दोनों टाइप्स है, सेक्सुअल असेक्सुअल, दोनों चीजें हम लोग इसमें कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट है रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन है वो भी हम लोग इसमें कंप्लीट डिटेल देखने वाले हैं, जिसमें जो भी कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, वो सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देन वी हैव टू सी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जैसे कि हमारी एक नॉर्मल हेल्थ होती है, हम लोग नॉर्मल हेल्थ हेल्दी रहने के लिए जो सारी चीजें करती है, वैसे वी नीड टू हैव अ प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो वो कैसे रखी जाती है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, जो हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसके रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ऑल एंड ऑल रिप्रोडक्शन के रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस करनी है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। ठीक है, आपको बस क्या करना है, वीडियो पूरा एंड तक देखना है। इस चैप्टर का जितने भी पार्ट्स बनेंगे, जितने भी लेक्चर्स बनेंगे, 3-4 लेक्चर्स, वो सारे लेक्चर्स आपको अच्छे से वॉच करने हैं। ठीक है, सारी चीजें आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगी, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो चलो अपना हथियार उठाओ, हथियार माने अपना पेन और कॉपी उठाओ, मेरे साथ लिखते जाओ, नोट्स बनाओ, राइटअप करो। सिर्फ सुनने से आपको नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो वॉच करते करते आपको राइटअप भी करना है, नोट्स भी बनाना है, सारी चीजें आपको यहीं पे याद हो जाएगी, बुक पढ़ने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा पूरा गारंटी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन का अमेजिंग कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो नाउ सी व्हाट इज रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, साइंस में हमने रिप्रोडक्शन वर्ड जो है वो बहुत बार सुना है, इसका सिंपल मीनिंग क्या है, रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, फिर जिसमें प्लांट्स आएंगे, ह्यूमन बीइंग्स आएंगे, अदर एनिमल्स भी आएंगे, वो क्या करते हैं, अपने जैसा ही मतलब सेम ऑर्गेनिजम्स जो है उसको क्या करेंगे, बर्थ देंगे। ठीक है, मतलब अपने जैसा ही सेम ऑर्गेनिज्म क्रिएट करने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट्स है तो प्लांट्स क्या करेंगे, अपने जैसे ही कुछ प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बनाना का प्लांट है तो उसको बनाना के ही फ्रूट्स आएंगे। ठीक है, या फिर कोई भी अगर हम लोग प्लांट्स लेंगे तो उसके जैसे ही सेम प्लांट वो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमन बींग्स अपने जैसा ही ह्यूमन बींग्स को प्रोड्यूस करेंगे। अदर अगर कुछ एनिमल्स है, कैट्स है, डॉग्स है, टाइगर्स है, तो अपने जैसे ही सेम ऑर्गेनिजम्स को, सेम स्पेसीज को रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे ही नया ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, नाउ रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है रिप्रोडक्शन। क्यों है,
बिकॉज इट इज वन ऑफ द वेरियस रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ ईच स्पेसिस। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जो अपने डार्विन साइंटिस्ट है, डार्विन ने इवोल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट बताया था। इस इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट में उन्होंने क्या बोला था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एंसेस्टर से क्रिएट हुए है। ठीक है, मतलब क्या, इसमें रिप्रोडक्शन हुआ है, जो सेम स्पेसीज है वो सेम स्पेसीज में रिप्रोडक्शन हुआ है, उन्होंने फिर जेनेटिक कैरेक्टर्स जो है वो अपने अपने बॉडी से नेक्स्ट जनरेशन को जो है जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसमिट किए हैं। इसका मतलब ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड इट इज रिलेटेड टू इवोल्यूशन। देयरफॉर रिप्रोडक्शन हैज अ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज एन इसेंशियल प्रोसेस एज इट लीड्स टू कंटिन्यूएशन ऑफ स्पेसिस। अभी रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, बिकॉज ये क्या करता है, अपनी जो स्पेसीज है उसको कंटिन्यू करता है। ठीक है, अगर मान लो रिप्रोडक्शन हुआ ही नहीं तो उसका जो स्पेसीज है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, मतलब अपने जैसा वो नया रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, दूसरे नए स्पेसीज को नहीं फॉर्म कर पाएगा। देयरफॉर रिप्रोडक्शन हैज एन इसेंशियल प्रोसेस, ठीक है, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ। लाइफ की कंटिन्यूटी अगर मेंटेन करनी है तो रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि इसके पहले हमने लाइफ प्रोसेस कुछ डिस्कस किए हैं, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, ये जो लाइफ प्रोसेसेस है ये लाइफ को कंटिन्यू करता है। मतलब विदाउट दिस केमिकल रिएक्शंस लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट, लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। एक्चुअली रिप्रोडक्शन अगर नहीं हुआ तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड नहीं होगा, बट उसकी जो नई स्पेसीज है वो कंटिन्यू नहीं होगी। ठीक है, मतलब अगर उसको अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना है, अपने स्पेसीज को कंटिन्यू करना है, तो रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल प्रोसेस। ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन जो है ये दो मेथड से होता है, राइट? वो एक फर्स्ट है असेक्सुअल एंड सेकंड इज व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी हम लोग इस चैप्टर में दोनों असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दोनों के रिलेटेड पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओन पर्टिकुलर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। All these methods are generally fall into two categories, asexual reproduction and sexual reproduction. ठीक है, अभी दोनों का discussion जो है, दोनों का जो difference है, main difference, main concept जो है वो आपको समझना चाहिए, उसके लिए मैंने एक chart बनाया है, वो जरा देख लेते हैं। ठीक है, ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसे बोलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गैमेट्स और सेक्स सेल्स। ठीक है, असेक्सुअल हम किसे बोलेंगे, अ का मतलब होता है नहीं, सेक्सुअल, असेक्सुअल मतलब जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सेक्सेस आर नॉट इन्वॉल्व और गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, मतलब इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेल्स के और उस एनिमल्स के या फिर उस प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से होगा। ठीक है, That is called asexual reproduction. ठीक है, और इसका एक important point है कि asexual reproduction जो होता है ये होता है uniparental. क्या होता है, uniparental. Now what is uniparental? इसमें only one sex involved होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही sex involved होगा, मतलब एक living organism है। Generally ये जो reproduction होता है ये unicellular organisms में होगा, bacteria या फिर प्रोटोजोआ, ऐसे जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर, ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो वो क्या करते हैं, उसमें एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक ही सिंगल सेल है जो नेक्स्ट सेल को डिवाइड करके रिप्रोड्यूस करता है। तो इसमें सेक्सेस इन्वॉल्व है नहीं है, पेरेंट्स दो है नहीं है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड सेक्सेस आर नॉट इन्वॉल्व। दिस रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, इट इज द प्रोसेस रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी फ्रॉम सिंगल ऑर्गेनिज्म एंड इनहेरिट द जीन्स ऑफ द पेरेंट। ठीक है, इसमें और एक चीज क्या होती है कि इसमें क्या होता है, सिंगल ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है और वो सिंगल ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है, इसके लिए वो क्या करेगा, अपने पास जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, मतलब जो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने वाला है वो 100% जेनेटिकली क्या है, आइडेंटिकल है।
ठीक है, मतलब वो जेनेटिकली कैसा है, सेम है। वाई सेम, क्योंकि इसमें एक ही पैरेंट इन्वॉल्व है, दिस इज यूनिपैरेंटल। ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनिज्म चूज टू रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय डिफरेंट मोड्स। अभी आपके बुक में जो दिए हैं वो फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, कटिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, ये सारे बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं और यू कैन से मेथड्स है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, हम सारे वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलेंगे, द रिप्रोडक्शन इन विच सेक्सेस आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गैमेट्स और सेक्सेल, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, ये बाय पैरेंटल होता है, बाय मीन्स टू, पेरेंट्स मीन पेरेंट्स। ठीक है, मतलब इसमें क्या होते हैं, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, टू गैमेट्स आर इन्वॉल्व एंड देयर इज फ्यूजन ऑफ दिस गैमेट्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नाउ सी, हमने असेक्सुअल में क्या देखा कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो उसका जो नया प्रोजेनी फॉर्म होने वाला है वह कैसे होगा, वो होता है 100% आइडेंटिकल। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल्स जो है वो डिफरेंट पेरेंट्स से हैं, मतलब क्या, इनके पास डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी डायवर्सिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, वेरी सिंपल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिपेरेंटल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बायपेरेंटल है, बायपेरेंटल है इसके लिए क्या होगा, वो डिससिमिलर ऑफस्प्रिंग क्रिएट करेगा। ठीक है, इन दिस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स देयर इज अ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स कम्स टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद इनमें जायगोट फॉर्म होगा, फिर एम्ब्रियो क्रिएट होगा और वो एम्ब्रियो डेवलप होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, फिर उसके बाद में इनमें माइटोसिस और मियोसिस, जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, ये दोनों प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। असेक्सुअल में मियोसिस नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही सेक्स इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, देयरफॉर इट कंटेन्स बोथ द प्रोसेस माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, लास्ट पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, अभी इस चैप्टर का पूरा आउटलाइन हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है। आपको अभी एक चीज क्लियर होगी, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके दो मेन कैटेगरी है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। अभी इस चैप्टर में हमें नेक्स्ट आगे क्या देखना है, तो इसके दो टाइप्स जो है, जो हमने आपको एक्सप्लेन किया, जिसमें एक तो टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड टाइप आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों का डिफरेंस आपको अभी अच्छे से क्लियर हुआ रहेगा। ठीक है, अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये कहाँ होगा, ये होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अभी इसका तो मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स व्हाट, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जिसमें क्या होता है, सिर्फ सिंगल सेल होता है। एग्जाम्पल्स भी आपको पता है कि जैसे कि अमीबा है ना, क्लोरेला है, पैरामेशियम है, यूग्लिना है, बैक्टीरियाज है, ऐसे कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है कि जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो अभी इसके कौन कौन से टाइप्स आपको दिए हैं, एक तो दिया है बाइनरी फिशन। ठीक है, सेकेंड दिया है आपको मल्टीपल फिशन, राइट, ये सारी चीजें हमको डिस्कस करना है। थर्ड आपको टाइप दिया है बडिंग। ठीक है, ये तीनों चीजें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकेंड टाइप इस असेक्सुअल में आपको वो भी दिया है, कौन सा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फिर असेक्सुअल में आपको क्या क्या देखना है, आपको देखना है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये फ्रेगमेंटेशन मेथड क्या होती है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड आपको देखना है रीजनरेशन, राइट, रीजनरेशन कैसे होता है वो आपको हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड आपको बडिंग भी देखना है, ये बडिंग का प्रोसेस जो है वो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर दोनों में होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, वो क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। एंड नेक्स्ट आपको डिस्कस करना है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है,
तो इतने सारे टाइप्स हमको देखने हैं। एक बार फिर से आपको बताता हूं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों के टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि यूनिसेलुलर में आपको है बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन और बडिंग, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही इजी मेथड्स है, सिंपल मेथड्स है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है मल्टीसेलुलर। इसमें आपको क्या क्या देखना है, इसमें है फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है और स्पोर फॉर्मेशन है। ये पूरे पांचों टाइप्स हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन वी हैव टू सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो आपको डिस्कस करना है फ्लावर्स का। ठीक है, जो भी हम लोग डेवलप ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, डेवलप प्लांट्स जो बोलते हैं, ठीक है, नाइन्थ स्टैंडर्ड में हमने इसको डिस्कस किया था, वो सारा डेवलप प्लांट्स में मतलब एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स का कैसे रिप्रोडक्शन का मेथड है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन वी हैव टू डिस्कस द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसमें भी दो टाइप दिए हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इतना कुल मिला के बहुत ही डिटेल चैप्टर है वैसे तो, लेकिन आप टेंशन मत लो, पूरा वीडियो अच्छे से वॉच करो, सारी चीजें आपको यहीं पे याद हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सारे जो टाइप्स मैंने अभी लिखे ये आपको अच्छे से याद करना है, इसको कैटेगराइज करना है, मेमोराइज करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। स्टार्ट है बाइनरी फिजन से। अभी हम लोग बाइनरी फिजन किसे बोलेंगे, देखो बाय का मतलब हमें पता है, बाय मीन्स व्हाट, टू। ठीक है, अभी ये जो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक पैरामीशियम है, अमीबा है, क्लोरेला है, बैक्टीरिया है, यूग्लिना है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है जिसे हम लोग प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स मींस व्हाट, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जिनका न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियस प्रॉपरली डेवलप नहीं है, अनडेवलप है, वो पूरा सेल ही अनडेवलप होता है। ठीक है, जिसमें बैक्टीरियाज आते हैं, प्रोटिस्ट है, अमीबा है, पैरामेशियम है, यूग्लिना है। ठीक है, तो इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन का मेथड बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि हमने माइटोसिस लास्ट लेक्चर में देखा था, एक जो सेल है यूनिसेल, राइट, जैसे कि पैरेंट अमीबा है, ये पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, कन्वर्ट्स हो जाता है दो सेल्स में। सबसे पहले तो इसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर ये न्यूक्लियस के साथ में इसके साथ का जो भी साइटोप्लाज्म है, जो भी उसका मटेरियल है, वो भी उसके साथ जाके पूरा ऐसा दो सेल्स कन्वर्ट होता है। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें कोई भी केमिकल्स, कोई भी एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जस्ट सिंपल डिवीजन। ठीक है, बाइनरी डिवीजन जिसे हम लोग बोलते हैं, सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल, दैट इज कॉल्ड बाइनरी डिवीजन। वेरी सिंपल, फिशन का मतलब होता है डिवीजन, राइट। यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन, जस्ट लाइक माइटोसिस, सारे सेल्स में ऐसा होता है। इन दिस प्रोसेस व्हाट हैपन, पैरेंट सेल्स डिवाइड टू फॉर्म टू सिमिलर डॉटर सेल्स। बाइनरी फिशन ऑकर्स आइदर बाय माइटोसिस और अ माइटोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंपल माइटोटिक डिवीजन होता है, सिंगल सेल जो है वो दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी ये जो कन्वर्जन है ये दो टाइप से होता है, एक तो जैसे कि अमीबा अगर है तो अमीबा को कोई भी शेप नहीं है। ठीक है, तो ये कहां से भी डिवाइड हो सकता है ना, यहां से डिवाइड होगा, यहां से होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, कैसे भी डिवाइड हो सकता है। जो पैरामेशियम है इसका डिवीजन जो होता है बराबर आधा जो डिवाइड होता है न्यूक्लियस वो ऊपर चला जाता है, दूसरा नीचे आता है, और ऐसे धीरे धीरे दो सेल्स इसके डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, थीके? और दो पैरामेशियम्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सिंपल डिवीजन और यू कैन से बाइनरी डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सी एक्सिस ऑफ फिशन और डिवीजन इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटीज। एग्जाम्पल अमीबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन, मैंने अभी बताया आपको कि इसका जो एक्सिस ऑफ डिवीजन होता है मतलब कहां से डिवाइड होना है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि अमीबा अगर है तो अमीबा में कोई उसको शेप ही नहीं है, इट्स अ शेपलेस ऑर्गेनिज्म, तो वो कहां से भी डिवाइड हो सकता है। ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप हेंस इट इज कॉल्ड एज सिंपल बाइनरी डिवीजन और सिंपल बाइनरी फ्यूजन। उसको कोई शेप ही नहीं है तो उसमें एकदम सिंपल डिवीजन हो जाता है। बट पैरामेशियम डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, अभी हमने देखा कि वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है। ठीक है, यूग्लिना डिवाइड बाय लॉन्जिट्यूडनल, अभी ये जो यूग्लिना का दिया है ये लॉन्जिट्यूडनल डिवाइड होता है।
ठीक है, ऐसे डिवाइड हो जाता है और दो ऑर्गेनिजम्स में इसका कन्वर्जन हो जाता है, बाकी सारी प्रोसेस सेम है। बाइनरी प्रोसेस इज यूजुअली परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ एबंडेंट फूड मटेरियल। मतलब ये बाइनरी प्रोसेस कब होगी, जब पूरा वाटर और फूड मटेरियल अच्छे से अवेलेबल होगा, तभी ये खुद का डिविजन करते हैं, फिशन करते हैं और यू कैन से रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, मल्टीपल फिशन। ठीक है, अभी हम लोग मल्टीपल फिशन देखेंगे, इसको कैसे क्या बोलते हैं। अभी बाइनरी का मीनिंग हमको समझा, बाइनरी मीन्स टू। ठीक है, मतलब एक सेल जो है वो दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ व्हाट इज मल्टीपल, मल्टीपल का सिंपल मीनिंग होता है मेनी, मतलब वन सेल डिवाइड्स इनटू मेनी सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन। फिशन का मीनिंग है डिविजन, मल्टीपल का मीनिंग है मेनी, मतलब एक सेल जो है वो मेनी सेल्स डिवाइड करती है, मेनी सेल्स में उसका कन्वर्जन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सिंपली मल्टीपल फिशन। ठीक है, सी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिशन इज परफॉर्म बाय अमीबा एंड अदर सिमिलर प्रोटिस्ट। ठीक है, अमीबा में ये मल्टीपल फिशन का प्रोसेस होता है। अभी कैसे होता है देखो, अमीबा स्टॉप्स फॉर्मेशन ऑफ सुडोपोडिया एंड देयर बाय मूवमेंट्स व्हेनेवर देयर इज अ लैक ऑफ फूड और एनी अदर टाइप ऑफ एडवर्स कंडीशन। ठीक है, मतलब क्या कि ये जो पैरेंट अमीबा है ये क्या करता है, जब कोई एडवर्स कंडीशन क्रिएट होती है, व्हाट इज एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन कि उस टाइम में फूड नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में अमीबा क्या करेगा, अपना सुडोपोडिया का कवरिंग इसके पूरे सेल के ऊपर लगा देता है, जिसे बोलते हैं सिस्ट। ठीक है, सी इट बिकम्स राउंडेड एंड फॉर्म्स प्रोटेक्टिंग कवरिंग अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड वो सुडोपोडिया से प्रोटेक्टिंग कवरिंग बना देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट। ठीक है, समझ रहे आप लोग, ये पैरेंट अमीबा है, राइट। पैरेंट अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, मतलब ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन में फूड और वाटर मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा, उस कंडीशन में जो सुडोपोडिया है अमीबा का, वो निकाल के वो पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड में एक रफ प्रोटेक्टिंग कवरिंग क्रिएट कर देता है, दैट इज कॉल्ड सिस्ट। ठीक है, और एक बार ये सिस्ट बन गया तो उसके अंदर ही अंदर बहुत सारे सेल्स वो क्रिएट करता है, मल्टीपल फिशन वहां पे होता है। ठीक है, मेनी न्यूक्लियाइज आर फॉर्म रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन इन द सिस्ट, इट इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड दस मेनी अमीबुली आर फॉर्म, दे रिमेन एनसिस्टेड टिल दे आर एडवर्स कंडीशंस। ठीक है, मतलब क्या होगा कि एक बार अंदर सिस्ट फॉर्म हो गया तो उसके अंदर ही अंदर बहुत सारे लैक्स ऑफ अमीबुली फॉर्म हो जाते हैं, मेनी सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, और जब अमीबा को लगेगा कि अभी एडवर्स कंडीशन बाहर नहीं है, उस कंडीशन में ये जो सिस्ट होता है वो सिस्ट को ब्रेक्स करता है। ठीक है, सिस्ट ब्रेक्स ओपन ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन एंड मेनी अमीबुली आर रिलीज। ठीक है, मतलब क्या होगा कि ये जो सिस्ट है वो ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद में मेनी अमीबुली आर रिलीज। ठीक है, मतलब क्या होगा, सिंगल अमीबुली है, ठीक है, सिंगल अमीबा है, और वो जो सिंगल अमीबा है वो मल्टीपल अमीबुली को क्रिएट करेगा, मतलब मेनी अमीबा को क्रिएट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में हमेशा पूछते हैं। ठीक है, इसको याद करो और अच्छे से लिख के पूरा नोट्स बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बडिंग। ठीक है, अभी बडिंग क्या होता है, बडिंग भी पूरा नाम से हमें समझ जाता है। ठीक है, बड का मतलब होता है एक स्वेलिंग पार्ट। ठीक है, ऐसा एक पार्ट कि वो थोड़ा सा बॉडी के ऊपर थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाता है, जिसे हम लोग बड बोलते हैं। एक बल्ज का पार्ट क्रिएट होता है, डायग्राम में दिया है देखो, ऐसा बल्ज क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड बडिंग। ठीक है, सी ईस्ट सेल में ऐसे टाइप का रिप्रोडक्शन हमें दिखता है। ठीक है, हमें पता है, लास्ट ईयर भी हमने देखा था, ईस्ट सेल जो होता है, जैसे कि सैकेरोमाइसिस, ये नाम आपने सुना होगा, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी नाम का एक ईस्ट है, ऐसे ईस्ट में ऐसे रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग का रिप्रोडक्शन। ठीक है, अ स्मॉल बर्ड कमिंग आउट ऑफ मेनी पैरेंट सेल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय बडिंग इन ईस्ट अ यूनिसेलुलर फंगस। ठीक है, ये एक यूनिसेलुलर फंगस है ईस्ट, ऐसे ईस्ट में फंगस में
ठीक है, ऐसे बडिंग का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है। देखो क्या होता है, ईच सेल प्रोड्यूसेस टू डॉटर न्यूक्लिया बाय माइटोटिक डिवीजन सो एज टू रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। ठीक है, क्या होगा, इसमें एक माइटोटिक डिवीजन होगा। अभी माइटोटिक डिवीजन कैसे होता है, तो ये जो पैरेंट ईस्ट सेल है ये क्या करेगा, एक छोटा सा बल्ज उसके ऊपर क्रिएट करेगा। ठीक है, फिर ये जो बल्ज है ये क्या करेगा, इस पैरेंट सेल से, पैरेंट बर्ड से क्या करेगा, इस सेल से न्यूट्रिशन लेगा। फिर धीरे 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 ये जो बर्ड है, नया बर्ड, ये डेवलप होते जाएगा और इस पैरेंट सेल से टूट जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे बडिंग क्रिएट होगा, फिर से एक नया सेल फॉर्म हो जाएगा, फिर से बडिंग क्रिएट होगा, फिर से नया सेल फॉर्म होगा, और ऐसा पूरा चेन बडिंग का फॉर्म हो जाता है और बहुत सारे सेल्स उससे क्रिएट हो जाते हैं। ये भी एक बहुत ही सिंपल मेथड है बडिंग। ठीक है, दिस एज सेल इज कॉल्ड एज पैरेंट सेल। अ स्मॉल बल्ज अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द पैरेंट सेल, दिस बर्ज इज एक्चुअली अ बर्ड। वन ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लिया एंटर्स इन दिस बर्ड। आफ्टर सफिशियंट ग्रोथ बर्ड सेपरेट्स फ्रॉम द पैरेंट सेल एंड स्टार्ट टू लिव इंडिपेंडेंटली एज अ डॉटर ईस्ट सेल। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है। एक पैरेंट सेल है, इस पैरेंट सेल को छोटा सा बर्ड क्रिएट हो जाता है, मतलब बल्ज आ जाता है, एक स्वेलिंग आ जाता है। ठीक है, देन दैट बल्ज इज टेकिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम द पैरेंट बर्ड। धीरे धीरे वो जो न्यू बर्ड है वो डेवलप होने लगता है। ठीक है, डेवलप होने के बाद में पैरेंट बर्ड से वो अलग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड बडिंग, अ वेरी सिंपल डिविजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाउ हम लोग देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके पहले हमने देखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है असेक्सुअली। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि असेक्सुअली मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो उसका फर्स्ट मेथड दिया है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, जो कि बहुत सिंपल मेथड है। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द बॉडी ऑफ पैरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू मेनी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, एंड ईच फ्रेगमेंट स्टार्ट टू लिव एज इंडिपेंडेंट लिविंग न्यू ऑर्गेनिज्म। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन एल्गी लाइक स्पायरोगायरा, स्पॉन्जेस लाइक साइकॉन। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है। आपने स्पायरोगायरा का नाम सुना ही होगा, ऐसा लैडर लाइक स्ट्रक्चर उसके ऊपर होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे न्यूक्लियाइज है। ठीक है, उसका फ्रेगमेंट्स में कन्वर्जन होता है, फिर यहां से एक फ्रेगमेंट टूटेगा। ठीक है, और ये एक फ्रेगमेंट्स अलग से डिवाइड होगा और ये एक फ्रेगमेंट्स अलग से डिवाइड होगा और दो नए फ्रेगमेंट्स और दो नए सेल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, और ऐसे टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो जनरली हम लोग अल्गे में देखते हैं, दैट इज स्पायरोगायरा इज द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है। फ्रेगमेंट्स में इसका कन्वर्जन हो जाता है, फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर स्पायरोगायरा का होता है, फिर उसका जो फ्रेगमेंट है वो टूटता है और दो नए सेल्स फॉर्म हो जाता है। ठीक है, व्हेनेवर देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल टू स्पायरोगायरा, इट्स फिलामेंट्स ग्रो वेरी फास्ट एंड ब्रेक्स अप इनटू मेनी स्मॉल फ्रेगमेंट्स। ईच फ्रेगमेंट स्टार्ट टू लिव इंडिपेंडेंटली एज अ न्यू स्पायरोगायरा फाइबर। ठीक है, ये जो सिंगल स्पायरोगायरा है, ये सिंगल स्पायरोगायरा यहां से कहीं से तो ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद में ऐसे दो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स उसके बनेंगे। ठीक है, फिर ये इंडिपेंडेंटली रहेगा, ये इंडिपेंडेंटली रहेगा और दो नए इंडिपेंडेंट सेल्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, रीजेनरेशन। ठीक है, रीजेनरेशन मतलब क्या, फिर से बनना। ठीक है, अभी रीजेनरेशन का जो पार्ट है ये हमें जनरली दिखता है प्लानेरिया में। ठीक है, हमने वॉल लिजर्ड भी देखी है कि जो वॉल लिजर्ड का अगर टेल ब्रेक होता है तो फिर से क्रिएट कर लेती है, दैट इज कॉल्ड एज रीजेनरेशन। ठीक है, वैसे ही प्लानेरिया का है, प्लानेरिया का अगर कोई पार्ट ब्रेक होता है तो उस पार्ट से वो फिर से नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट करता है। ठीक है, इट्स अ एक्सेप्शनल मेथड। ठीक है, सी यू मे नो दैट द वॉल लिजर्ड ब्रेक्स अप एंड डिस्कार्ड सम पार्ट ऑफ द टेल इन इमरजेंसी, डिस्कार्डेड पार्ट इज रीजेनरेटेड आफ्टर अ पीरियड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड रीजेनरेशन। ठीक है, वॉल लिजर्ड आपने देखी है, उसका अगर टेल का कोई पार्ट ब्रेक होता है तो इमरजेंसी में क्या करते हैं, वो उसका फिर से नया पार्ट रीजेनरेट कर लेते हैं, बट दिस इज अ लिमिटेड रीजेनरेशन।
लेकिन प्लानेरिया में क्या होता है कि उसके बॉडी का कोई भी पार्ट अगर ब्रेक होता है तो वो पूरी बॉडी को नए से फिर से क्रिएट कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। दिस इज एक्सेप्शनल पार्ट, ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल है, अगर एग्जाम में आता है तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, रीजनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बडिंग। ठीक है, नाउ दिस बडिंग इज इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके पहले हमने जो देखा वो था यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन जो मैकेनिज्म है बडिंग का वो दोनों असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम है। कैसे होता है देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है हाइड्रा, राइट, हाइड्रा ऐसे कुछ दिखता है ऑर्गेनिज्म। अंडर फेवरेबल कंडीशंस एट अ स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी आउटग्रोथ इज फॉर्म बाय रिपीटेड डिविजन्स ऑफ रीजनरेटिव सेल्स ऑफ बॉडी वॉल। ठीक है, ऐसे कुछ हाइड्रा का बॉडी शेप दिखता है, फिर इसमें क्या होता है, छोटा सा बर्ड उसको क्रिएट हो जाता है। बर्ड हमने देखा था, बर्ड मतलब एक बल्जी पार्ट क्रिएट होता है, एक सोलन पार्ट क्रिएट होता है, फिर ये जो बर्ड है ये धीरे धीरे डेवलप होता है और डेवलप होने के टाइम पे वो क्या करेगा, इस पैरेंट हाइड्रा से न्यूट्रिशन लेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रा। ठीक है, फिर एक स्टेप ऐसा आता है कि ये पैरेंट हाइड्रा से पूरा अलग हो जाता है और दो नए हाइड्रा क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, सो इसमें भी सेक्सेस का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज बर्ड। बर्ड ग्रोज अप प्रोग्रेसिवली एंड फाइनली फॉर्म्स स्मॉल हाइड्रा। डर्मल लेयर्स एंड डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ द बडिंग हाइड्रा आर कंटिन्यूटी विद दोज ऑफ पैरेंट हाइड्रा। ठीक है, ये एक मेन हाइड्रा है, मेन हाइड्रा जो है यहाँ पे एक बर्ड फॉर्म हो जाएगा, फिर वो जो बर्ड है धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा, उस डेवलपमेंट के टाइम पे वो क्या करेगा, देखो पैरेंट हाइड्रा सप्लाइज न्यूट्रिशन टू द बडिंग हाइड्रा। ठीक है, बडिंग हाइड्रा को पैरेंट हाइड्रा न्यूट्रिशन देगा, फिर धीरे 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 वो पैरेंट हाइड्रा से डेवलप हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और पूरा इंडिपेंडेंट लाइफ क्रिएट करेगा। ठीक है, विच लीड्स टू एन इंडिपेंडेंट लाइफ। ठीक है, और दो नए हाइड्रा क्रिएट हो गए, दिस इज कॉल्ड बडिंग इन हाइड्रा। ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है, टू मार्क्स। नेक्स्ट मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, अभी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है ऐसा रिप्रोडक्शन की जो सोमैटिक सेल से कैरी आउट होगा। ठीक है, अभी इसका मीनिंग हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में देखा था कि ऐसे सेल्स की जो रिप्रोडक्टिव नहीं है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल और सोमैटिक सेल्स। ठीक है, और इस टाइप का रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमें दिखता है स्वीट पोटैटोज में, ब्रायोफाइलम में, पोटैटोज में। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जैसे कि पोटैटो अगर है तो इसके ऊपर छोटा छोटा बर्ड्स क्रिएट होता है, और इस बर्ड को अगर आप लोग सॉइल में उगा दोगे तो धीरे धीरे इससे भी नया प्लांट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ब्रायोफाइलम के बड़ा जो लीव्स होता है इसके ऊपर भी आपको छोटा छोटा प्लांट्स क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक वेजिटेटिव पार्ट्स है। ठीक है, सोमैटिक सेल्स है, इसमें कोई भी सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेरी सिंपल मेथड। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ एंड बर्ड इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन कि जिसमें रूट, स्टेम, लीफ और बर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, फ्लावर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और ये जो फ्लावर्स है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन पोटैटोज इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ आइस। ठीक है, आइस मतलब क्या, छोटा सा बर्ड इसके ऊपर क्रिएट होता है, प्रेजेंट ऑन द ट्यूबर, वेर एज इन ब्रायोफाइलम इट इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द लीप मार्जिन। ठीक है, ये जो बड़ा लीप मार्जिन है इसके ऊपर भी छोटे छोटे बर्ड्स क्रिएट होते हैं और उससे क्या होता है, एक नया प्लांट क्रिएट हो जाता है। पोटैटोज जो है इसके ऊपर भी आईज होते हैं और उस आईज से बर्ड्स क्रिएट होता है, उससे भी नया प्लांट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, सो ऑल दीज आर वेजिटेटिव पार्ट जिससे रिप्रोडक्शन होता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट्स लाइक शुगर केन एंड ग्रासेस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द नोड्स। है ना, शुगर केन अगर आपने देखा होगा तो उसका जो फ्रेगमेंट्स होता है उसके ऊपर भी देखो छोटा सा ऐसा बर्ड आता है,
जिसको हम लोग आइस भी बोलते हैं, ठीक है। और इस आइस से, बर्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नया प्लांट भी क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड, ठीक है। प्लांट्स लाइक कैरेट एंड रेडिश परफॉर्म वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विद द हेल्प ऑफ रूट, जो कैरेट्स हैं, राइट, रेडिश है, इसमें भी ऐसे टाइप का प्रोपोगेशन होता है, लेकिन वो होता है रूट से। ऑल इन ऑल क्या है कि रूट है, स्टेम है, लीफ है या फिर बर्ड है, ऐसे वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट्स में अगर कोई रिप्रोडक्शन होता है तो उसे हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, तो छोटे छोटे ऐसे स्पोर्स, व्हाइट कलर का पाउडर सब्सटेंस होता है, पाउडरी सब्सटेंस, छोटा छोटा ऐसे क्रिएट हो जाते हैं, और जिससे क्या होगा, नया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्पोर फॉर्मेशन। और ये जो मेथड दिखता है, ये हमें दिखेगा फंगस में। यहाँ पे देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है, टेक अ पीस ऑफ वेट ब्रेड और बाकरी एंड कीप इट इन अ ह्यूमिड प्लेस, फंगस विल ग्रो ऑन इट विद इन 2 to 3 days, ऑब्जर्व द फंगस अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम। ऐसे कुछ और डायग्राम्स हमको दिखेगा। पीस ऑफ ब्रेड अगर हम लोग लेंगे, उसको थोड़ा सा वेटेड रखेंगे, तो कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद क्या होगा, ऐसा स्पोर फॉर्मेशन उसके ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, देखो, फंजाई लाइक म्यूकर हैव फिलामेंटस बॉडी, दे हैव स्पोरेंजिया, राइट। इसमें क्या होता है, ऐसा फिलामेंटस बॉडी होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एकदम माइन्यूट स्पोर्स होते हैं, ठीक है। ऊपर उसके ऐसे स्पोरेंजियम होता है, और इस स्पोरेंजियम में छोटे छोटे एकदम माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स होते हैं, व्हाइट कलर पाउडरी सब्सटेंस ऐसा कुछ होता है, जिसको स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्पोर्स होते हैं, फिर ये क्या करेगा, धीरे धीरे रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। दिस स्पोर्स बर्स्ट एंड स्पोर्स आर रिलीज एंड न्यू ऑर्गेनिजम्स, न्यू सेल्स क्रिएट, दैट इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। सी, वन द स्पोर्स आर फॉर्म, स्पोरेंजिया बर्स्ट एंड स्पोर्स आर रिलीज, स्पोर जर्मिनेट्स इन मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस एंड न्यू फंगल कॉलोनी इज फॉर्म, ठीक है। ये जो स्पोर्स होते हैं, ये मॉइस्ट कंडीशन में, वार्म कंडीशन में ही क्रिएट होंगे, ठीक है, जनरेट होंगे। लेकिन एकदम सिंपल मेथड है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंटस बॉडी है, उसके अंदर स्पोरेंजियम क्रिएट होता है, ठीक है, और उस स्पोरेंजियम में माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स होते हैं, ठीक है, जिससे नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर सेल्स, मल्टीसेलुलर सेल्स क्रिएट होंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। सो ये तो थे सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सारे मेथड्स, ठीक है। हमने दोनों देखे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दोनों मेथड्स हमने देखे, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से मेथड्स हैं, बहुत सिंपल है। आपको वीडियो 2 से 3 बार पूरा रिवाइंड करके देखना है, उसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं, सारा आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज इसमें हमने देखा लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 2, जिसका लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं और उसके सारे कंप्लीट मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसका पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर, पॉलिनेशन और उसका जो भी डिटेल स्ट्रक्चर है, वो पूरा हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।